फ्रेंड्स, मैं इब्राहिम और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और अभी बजे हैं सुबह के 11:30 और मैं अभी बाहर आया हूँ और बाहर तो बारिश हो रही है। मैं अभी इसके नीचे खड़ा हूँ, इसलिए अभी मैं बारिश से बचा हूँ, बहुत ठंड है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर, लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी ये एक दुआ है कि जो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिनने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं भी किया, उनको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। फ्रेंड्स, आज जुमा है और मैंने एक पिछले किसी व्लॉग में आपको बताया भी था, दिखाए भी थे अपने नए कमीज़ चलवार। आज इसलिए मैं वो पहनूंगा, अपने नए वाले कमीज़ चलवार मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार, एक हाथ पे कैमरा और एक हाथ से बंद करना मुश्किल है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे नए कमीज़ चलवार, आप ज़रूर कमेंट में बताने कि मैं कैसा लग रहा हूँ। मैं अभी शॉर्टिंग नहीं पहनने, क्योंकि मम्मा ने सारे धोने के लिए रख दिए हैं, सारे गंदे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं रेडी हूँ और अब जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग निकल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैं नमाज पढ़ के आ रहा था, इतनी बारिश हो रही है, पाँव नीचे भरे में, गाड़ी से उतरा पता भी नहीं चला, मेरे दोनों पाँव गंदे हो गए इसमें, अभी धोए हैं मैंने आके। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कल रात से लगी हुई है। फ्रेंड्स, अभी मैं नमाज पढ़ के वापस आया, मैंने कंप्यूटर देख रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा फैमिली ड्रामा है, फैमिली सीरीज है, इसको बच्चे भी देख सकते हैं, बेसिकली ये बच्चों के लिए ही बना है। फ्रेंड्स, दिन के खाने के टाइम हो गया, अभी बहुत ही मजे के दो नान और चिकन मुझे खाने के लिए मिला है, मुझे बहुत ही पसंद है और बहुत मजा आ रहा है। खाना तो जो भी हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के ना खाएं तो शैतान भी खाने में शरीक हो जाता है, इसलिए हमें बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी मम्मा और मेरी मम्मा और मेरी बहन बेला और अनाबिया, वो तीन हो गई हुई हैं नानों के घर रहने, तो अभी हम लोग उनको लेने जा रहे हैं। खाना तो हम लोगों ने इधर खा गए, अभी बस हम लोग तैयार हो रहे हैं, फिर निकलते हैं उनको लेने। वो लोग कल गए थे, हमने कहा आज चलो फिर ले आते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मम्मा को लेने जा रहे हैं, मौसम वही हुआ है और बारिश हो रही है, मेरे नए कमीज सलवार भी बार बार गीले हो जाते हैं। तो चलें, अब चलते हैं, मुझे गेट भी बंद करना पड़ेगा, फिर गीला होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हियर आई रीच माय नानोस हाउस। तो इधर से मैं अपनी मम्मा अनाबिया और बेला तीनों को पिक करूंगा। और फ्रेंड्स, इधर ट्रैफिक हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, दिस कैरी डब्बा। और फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने इनको पिक कर लिए और ये मेरे साथ बैठी है अनाबिया। हेलो, ये मम्मा और ये बेला। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मम्मा अनाबिया और बेला को लेके वापस आ चुके हैं। फ्रेंड्स, अभी मम्मा उधर से वापस आई हैं और उधर मार्केट भी गई थी, तो मेरे लिए दो एक हुड और एक जैकेट लाई है, तो अभी मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं अपना स्वेटर एडजस्ट करने के लिए जंप मार रहा हूँ, इससे मेरा स्वेटर एडजस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये नई जैकेट, मैं आपको दूसरी पहन के दिखाता हूँ। अंदर से तो बहुत ही गर्म है, मैं तो बड़ा मजा आ रहा है इसका। बोलो फ्रेंड्स, आपने कमेंट में बताने की ज्यादा अच्छी कौन सी लग रही है। फ्रेंड्स, लूडो तो हमारी फैमिली गेम ही बन गई है, कभी मैं मम्मा बाबा बेला खेल रहे होते हैं, और यहाँ देखो कि अनाबिया और दादा ने अपनी गेम लगाई हुई है, मतलब एक तो फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर, एक फैमिली का सबसे छोटू मेंबर, इन दोनों की तो अपनी केमिस्ट्री है, इन दोनों को ही समझ आ रहा होगा कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी चाल चल रहे हैं, ये इन्हीं को पता होगा आपस में।
फ्रेंड्स अभी बेला और दादा ने अपना मैच फ्रेंड्स अभी अनाबिया और दादा ने अपना मैच सिखा लिया है। तो अभी अभी मम्मा लेटी हुई थी, वो उठी हैं, उन्होंने मुझे कहा चलो लूडो खेल लेते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं लूडो ले आया। बेला तो दादा दादू के पास है, तो इसलिए अभी मैं और मम्मा इधर लूडो खेल रहे हैं। बेला भी आ गई यार, ऐसे करके उसको खेलो खेलो। मैं दादा को दोबारा ही मुझे भी 1 2 3 4 और तुम बैठ के देख लो फिर और क्या हो सकता है। हां तुम किसके साथ हो रहे थे फ्रेंड्स? मैं दादा को दबाई थी, इन लोगों ने पहले ही गेम शुरू कर दी और अब ये मेरे साथ खेलेंगे भी नहीं। बीच में तो नहीं कर सकते ना तुम हमें, बाद में तो ठीक है, बाद में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जब रात को जब खाना खाने के बाद ना फिर हम सब खेल लेंगे। हम सारे हैं ना अभी सारे, अभी हम बीच में तो नहीं आते हैं, हम इतने आगे निकल गए। पहले दूसरे बंदे को बारी चलने देते हैं। पांच पांच के बाद फिर से इसी की होगी ताकि छह निकल जाए। वन बच गया, निकल निकाल ले क्यों निकाल। 3 पैरों मुझे कुटी चलने दो। 1 2 4 नहीं है ये 2 है, 2 4 ही दो लोगों। 6 पे इसको निकाल लेते हैं। तो 6 पे इधर तो नहीं आएगी ना, इधर आएगी किधर है आपका दिमाग इब्राहिम? फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी गेम है, इससे बहुत अच्छा टाइम पास हो जाता है। 3 ये देखिए फ्रेंड्स, फैमिली के साथ खेलने का अपना मजा आता है और हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। आ गई है पानी गिरा दिए। फ्रेंड्स हम लोग ऐसे खेलते खेलते गलती से अनाबिया के पाँव पे जूस गिर गया। अनाबिया बेचारी सो रही थी, बेचारी डिस्टर्ब हो गई होगी एकदम से। मम्मा की सारी कैल्शियम पी ली। फ्रेंड्स अभी रात की खाने का टाइम है और मम्मा ने बनाया है आलू का पराठा और सब्जी का पराठा। मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद है, मैं तो दोनों बहुत शौक से खाऊंगा। हमें बैलेंस डाइट रखनी चाहिए, इससे हमारी बॉडी फिट रहती। चलें फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज्यादा मजे का है। कौन सा है? आलू खाना हमने। अच्छा मैं देखूं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने रात का खाना खा लिया है एंड नाउ हम लोग खेलने वाले हैं बैडमिंटन। ये ले बाबा, लेट्स स्टार्ट। आपको तो पता होगा दिस इज माय फेवरेट स्पोर्ट। आपको भी खेलना चाहिए क्योंकि इससे बंदे की बॉडी फिट आती है और खाना भी हजम हो जाता है। और अभी मैं तो जीत रहा हूँ भाई। यार ये ऐसी शॉट्स जो होती है ना वो मेरे से हमेशा छूट जाती है। कभी कभी तो ये देखा फ्रेंड्स, जिसे अभी हम लोगों ने रैकेट खेल लिए थे, हम लोगों ने जैसे ही रैकेट रखी अनाबिया ने रैकेट उठाया और उसको रैकेट समझने की बजाय गिटार समझ के बजाना शुरू कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स ये था हमारा आज का व्लॉग, बस अभी मैं ये रैकेट्स रख रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सोने। अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिलने आने वाली थर्ड वीडियो वक्त पर मिले। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।